वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। पहली चीज, ये 5th, 7th और 10th गीग मेरी फेवरेट है, मैं भी उन्हीं पे वर्क करता हूँ, तो वो जरूर देख कर जाइए। दूसरी चीज ये कि 15 गीग्स के बाद मैंने दो बोनस चीजें बताई हैं, सो अगर आपने वो अभी नहीं देखा तो 100% श्योर यू गोना रिग्रेट इट इन द फ्यूचर, सो उसे जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। Hey all, welcome to our new channel Crash for you. So, आज के जो हम लोग का टॉपिक है वो है टॉप 15 गिग्स दैट रिक्वायर नो नॉलेज एंड जीरो स्किल्स एंड यू कैन वर्क ऑन देम। गिग्स क्या होता है ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। गिग्स मतलब एक ऑनलाइन आपकी दुकान जो फाइवर के प्लेटफॉर्म पर है। अब फाइवर क्या है? फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। लाइक फ्रीलांसिंग मीन्स लाइक आपके पास कोई स्किल्स है, मैं हूँ सेलर, मैं आपके पास जाऊँगा कि मुझे कोई वेबसाइट बनानी है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये मेरी वेबसाइट है ये बना दो। आपके आवर के हिसाब से रेट होंगे, लाइक आपको एक घंटे का 500 रुपए है आपका रेट, उस हिसाब से अगर मुझे सही लगा तो मैं आपको दूंगा, डिपेंडिंग ऑफ आपका एक्सपीरियंस कितना है और आप पैसे कितने ले रहे हैं और मेरा बजट क्या है, उस हिसाब से मैंने आपको दिया। आप जिस भी चीज में अच्छे होंगे उस चीज की आप गिग बना देंगे। गिग मतलब एक ऑनलाइन दुकान फाइबर के प्लेटफॉर्म पे, मेरे जैसे बायर आएंगे और आपसे सर्विसेज लेंगे, ठीक है। सो ये होता है फ्रीलांस एंड गिग का मतलब। और भी बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जैसे फ्रीलांसर एंड अपवर्क, बट मैं अभी फाइवर की बात करूंगा क्योंकि फाइवर काफी फेमस है और फाइवर पे काफी अच्छे रिव्यूज और काफी ज्यादा लोग आपको मिल जाएंगे आपकी स्किल्स खरीदने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक गिग का प्रोमो दे देता हूँ कि गिग दिखती कैसी है और आप बाद में 15 गिग्स को सुनने के बाद जब अपनी बनाएंगे तो आप कैसी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली गिग से जो कि है कमेंटिंग ऑन ब्लॉग्स। इसका मतलब ये कि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी ब्लॉग्स को गूगल के सर्च में ऊपर लाना होता है। लाइक उन्होंने ब्लॉग बनाया होगा, किसी कीवर्ड को टारगेट करते हुए उस पर कंटेंट लिखा होगा, तो उन्हें उसको ऊपर लाना है। तो जैसे मानिए आप इस YouTube वीडियो पर लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, एंड आई एम गोना रिक्वेस्ट टू प्लीज डू ऑल दिस थिंग्स, इफ यू डोंट लाइक देन डिसलाइक ऑल्सो नो वरीज। So, अगर मानिए आपने डिसलाइक किया, तो अगर आपने डिसलाइक लाइक या कमेंट कुछ भी किया तो उससे क्या होगा कि उससे एंगेजमेंट होगी वीडियो पर। तो यूट्यूब ये नहीं देखता कि उसमें डिसलाइक हुआ है कि लाइक हुआ है, उससे बस मैटर करता है कि एंगेजमेंट कितनी है इस वीडियो पर, और जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी वो उतनी ज्यादा वीडियो को ऊपर लाएगा। तो ऐसे ही चीजें होती है ब्लॉग के साथ, जितनी ज्यादा आप एंगेजमेंट करेंगे ब्लॉग पर, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उससे वो ब्लॉग ऊपर आएगा। ऐसे ही बहुत सारे बायर होते हैं जिनको लोग चाहिए होते हैं जो उनकी वेबसाइट पर कमेंट करें, उनके ब्लॉग पर कमेंट करें। तो आप ऐसी गिग खोल सकते हैं और इनमें भी काफी लोग आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज थी ये, आप इसकी गिग खोलिए और दूसरी चीज अपने रेट डिसाइड कर लीजिएगा और सही से गिग बना लीजिएगा, उसके बाद आपको बायर मिलेंगी इजली, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा हसल करनी पड़ेगी। अब चलते हैं अपनी दूसरी गिग पर जो कि है ट्यूटरिंग लैंग्वेज। अब ट्यूटरिंग लैंग्वेज क्या होता है? ट्यूटरिंग लैंग्वेज मीन्स लाइक मानिए हर आदमी को कोई ना कोई लैंग्वेज आती है, जैसे लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज नहीं, नॉर्मल लैंग्वेजेस, जैसे मुझे हिंदी, इंग्लिश एंड थोड़ी सी बेसिक पोर्टुगीज आती है, तो मैं ये चीजें आपको सिखा सकता हूँ अगर आपको सीखना है तो। ऐसे ही आपको अगर कोई भी लैंग्वेज आती है जो थोड़ी सी अलग हो, जो मतलब नॉर्मल ना हो या नॉर्मल भी हो, क्योंकि अगर कोई बाहर का बंदा होगा तो उसे हिंदी नहीं आती होगी, तो आप इस पे गिग बना सकते हैं। क्योंकि अगर वो बंदा यहाँ नौकरी करने आ रहा हो या कोई काम के लिए आ रहा हो या यहाँ घूमने ही आ रहा हो, तो वो चाहे कि हिंदी सीखना तो वो आपसे सीख सकता है। तो इसकी भी आप गिग बना सकते हैं और इनमें भी काफी अच्छे बायर आपको मिल जाएंगे और काफी सक्सेसफुल पीपल भी हैं, सक्सेसफुल जो सेलर हैं वो भी हैं इसमें, और काफी लोगों ने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ जो कि है बी अ फ्रेंड। लाइक आजकल की करंट वर्ल्ड में लोग काफी सोशली कनेक्टेड हैं, बट ह्यूमन टू ह्यूमन जो कनेक्शन होता था पहले वो अब नहीं है, तो लोग काफी अलोन और लोनली रहते हैं। तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं, आप इस पे अपनी एक गिग बना सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा गर्ल्स के लिए बिकॉज काफी लोग इसका डिसएडवांटेज उठाते हैं, जो आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस वे में कह रहा हूँ। तो आप अगर लड़की हैं तो आप अपने रिस्क पे बनाए इस गिग को, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट आप देख लीजिए काफी जेन्युइन पर्सन भी होते हैं,
तो आप देख लीजिएगा आपको जो सही लगे उसी पे आप काम करिएगा। सो ऐसे इस पे भी आप अपनी गिग बना सकते हैं। सो अब चलते हैं चौथे तरीके की तरफ जो कि है प्रोवाइडिंग रिलेशनशिप एडवाइस। लाइक मानिए आप काफी टाइम से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि आप दूसरे जेंडर को काफी अच्छे से समझते हैं, तो आप इस पे भी अपनी गिग बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे काफी लोग होते हैं जिनको एडवाइस चाहिए होती है। जैसे आपने काफी सीरीज देखी होंगी जैसे नेटफ्लिक्स पर, तो इस पे भी इस चीज भी काफी चलती है बाहर के देशों में। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसके ऊपर नॉलेज है, आप काफी टाइम से हैं, क्योंकि जो बंदा जिस फील्ड में ज्यादा टाइम से है उसको उसका एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको लगे तो आप इससे भी पैसे जनरेट कर सकते हैं, बट उसको देखने का नजरिया आपका दूसरा होना चाहिए। तो ये थी गिग, इस पे भी आप बना के काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप चलते हैं पांचवे तरीके की तरफ और मेरे पहले फेवरेट तरीके की तरफ जो कि है रिमूविंग बैकग्राउंड। अब रिमूविंग बैकग्राउंड में कैसे आप काम कर सकते हैं? रिमूविंग बैकग्राउंड ये होता है कि जैसे मानिए ये गिग काफी चलती है और मैं अगर इसको सबसे पहले अगर मुझे कोई गिग बनानी हो तो मैं यही बनाऊंगा और मैंने यही बनाई भी थी। तो रिमूविंग बैकग्राउंड ऐसे होता है कि जैसे मानिए बहुत लोगों को ऐसा चाहिए होता है कि कोई उनकी फोटो हो उसके पीछे का रिमूव बैकग्राउंड आप हटा दे। तो इसके लिए जो मैं पहला टूल रिकमेंड करूंगा वो है कैनवा। वो बहुत ही अच्छा टूल है, उसमें आप जाइए एंड आप अपनी फोटो को मतलब जो आपका क्लाइंट फोटो दे उसको आप उसमें जाके लगाइएगा और उसमें आपको बस उस पर क्लिक करके एफएक्स में जाके रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना होगा। बस बैकग्राउंड रिमूव हो गया और बस इतना ही काम करना होता है। और जो दूसरा टूल और जो दूसरा फ्री टूल मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है क्लिपिंग मैजिक। ये भी काफी अच्छा टूल है, इस पर भी आप जाके देख सकते हैं। और अगर कुछ आपको फंक्शनैलिटी देनी है तो आप कह सकते हैं कि मीन जो कहेगा वो आप कर सकते हैं, बट 99% रिमूव बैकग्राउंड ऐसे ही सिंपली होता है। और बाहर के लोग काफी बार ऐसे ही काम लेके आप तक आते हैं, बस आपको डिपेंड करना है कि जो भी आप गिग बनाए उसमें आप टॉप पे आने की कोशिश करें। उसमें भी SEO एंड बाकी चीजें डिपेंड करती है, आपने फोटो कैसी लगाई है, देख के कैसी फील आ रही है कि हाँ ये बंदा करेगा, जेन्युइन है, लिखा क्या क्या है। तो इस पे मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, पर इस पे भी आप गिग बना सकते हैं। So, ये हो गया पहला तरीका जो मेरा फेवरेट, और ऐसे पांचवा तरीका। अब चलते हैं अपने छठे तरीके जो कि है कलराइजिंग फोटोज। इसमें क्या होता है, लाइक जैसे मानिए बहुत से लोग होते हैं जिनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है, उन्हें कलर करवानी होती है, तो इस पे भी काफी अच्छी गिग्स हैं और काफी लोग काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जो टूल्स मैं रिकमेंड करूंगा इसको करने के लिए, जो टूल मैं रिकमेंड करूंगा वो है इमेज कलराइजर। और बाकी जो और भी काफी टूल आपको मिल जाएंगे अगर आप गूगल पे जाके नॉर्मली सर्च करें। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दूंगा और पाथ बताऊंगा, पर आपको चलना खुद पड़ेगा। तो आप जाके सर्च करिए, थोड़ी हसल करिए, आपको खुद ब खुद बहुत से अच्छे टूल मिल जाएंगे। अब चलते हैं सेवन तरीके की तरफ और मेरे सेकंड फेवरेट तरीके की तरफ जो कि है SEO एनालिसिस रिपोर्ट। अब आप पूछेंगे SEO क्या होता है? SEO मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें भी काफी चीज मैटर करती है, लाइक आपका कंटेंट, कीवर्ड, सोशल मीडिया एंड रैंकिंग्स क्या है, ये काफी चीजें मिलके SEO को बनाती हैं। और काफी लोग चाहते इस पे वर्क करते हैं, मैं SEO पे दूसरी सीरीज बना दूंगा कि आपको अपनी। और इसका मेन यूज ये होता है कि जितना अच्छा SEO पे आप काम करेंगे और जितनी नॉलेज आपको होगी उतनी ही ज्यादा गूगल सर्च में आपने जिस कीवर्ड को टारगेट किया है आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी। तो SEO एनालिसिस रिपोर्ट सबको चाहिए होती है। So, जो पहला टूल है मैं जो रिकमेंड करूंगा वो है यूबर सजेस्ट बाय द बेस्ट डिजिटल मार्केटर आई नो लाइक नील पटेल सर। सो उनकी तरफ से ये पहला टूल है और ये बहुत अच्छा टूल है। इसमें बस जाके आपको जो भी आपका क्लाइंट लिंक देगा उसको जाके आपको इसमें अटैच करना है, और जहां आप अटैच करेंगे ये आपको सारी चीजें उस वेबसाइट के बारे में पर्टिकुलर बता दे। लाइक एनालिसिस करके बता देगा उसका हेल्थ चेक कैसा है, उसमें क्रिटिकल एरर्स हैं कि नहीं, वार्निंग्स, रिकमेंडेशंस कुछ दे देगा एंड SEO चेकर पूरा, और साइट स्पीड कैसी है क्योंकि साइट स्पीड बहुत मैटर करती है। और उसके बाद SEO ऑडिट रिपोर्ट दे देगा, उसको आप डाउनलोड करके अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं और फिर वो उनको दिखा सकते हैं कि ये है पूरा SEO एनालिसिस आपकी वेबसाइट का। तो इस पे भी काफी लोग आप तक आएंगे और काफी लोग अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। और दूसरा टूल जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है seositecheckup.com। इसको जाके आप चेक करिएगा, इसमें भी यही है, आपको जाके बस अपने डोमेन का मींस अपनी वेबसाइट का लिंक अटैच करना होगा और उसके बाद ये आपको हर चीज बता देगा उसके बाद।
तो ये थी मेरी दूसरी फेवरेट वेबसाइट और सेवेंथ ओवरऑल गिग। अब चलते हैं एर्थ गिग की तरफ जो कि है लोगो एनिमेशन। सो जो एर्थ गिग है अपनी वो है लोगो एनिमेशन। सो लोगो एनिमेशन पर भी आपको काफी क्लाइंट मिल जाएंगे बिकॉज काफी क्लाइंट को चाहिए होता है कि उनका जो लोगो हो काफी एनिमेटेड हो, पर एनिमेशन हर बंदे को नहीं आता है। सो जो दो टूल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिकमेंड करूंगा, पहला है इन्वेटो, इसमें क्या है कि थोड़ा पेड हो सकता है, और दूसरा है पिक्सटलर। अब मैं आपको फ्री और पेड के बीच में बता देता हूँ। लाइक मानिए अगर आपको कोई क्लाइंट मिल गया, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होती है पर आपको जल्दी ही क्लाइंट मिल जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इन्वेटो का पेड ले सकते हैं या तो पिक्सटलर का भी पेड वर्जन ले सकते हैं। अब मानिए आपको क्लाइंट मिला है, वो आपको मिनिमम $10 से $15 तो दे ही देगा, और इसमें जो पेड वर्जन है वो सिर्फ $5 के हैं। तो आप ऐसे थोड़ा दिमाग लगाइए अपना और पेड की तरफ जाइए, क्योंकि अगर आप उसको प्रोफेशनल तरीके से काम करके देंगे तो उसमें वो रेटिंग आपको अच्छी देगा और आगे आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो थोड़ा उस तरह सोचिए, और पेड और फ्री में थोड़ा अगर मनी आपको इन्वेस्ट करना पड़े तो आप कर दीजिए। अब चलते हैं अपनी नाइन्थ गिग की तरफ जो कि है हैप्पी बर्थडे वीडियोस। ये आपको सुनने में थोड़ा वैसा लग सकता है बट ये भी काफी चलता है, क्योंकि काफी एशियन एंड काफी बाहर के लोग भी इस पे थोड़ा फनी तरीके से हैप्पी बर्थडे वीडियो बनाते हैं। और क्योंकि मेन इसका तरीका ये होता है कि जिसका बर्थडे हो उसके फेस पे थोड़ी स्माइल है, तो उसके लिए थोड़ी अनयूजुअल चीजें करते हैं बट थोड़ी फनी चीजें करते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपके दोस्तों का ग्रुप ऐसा है जो ये चीज कर सकता है तो आप इस पे भी एक गिग बना सकते हैं, उसके बाद अपने दोस्तों में पैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो ये भी काफी अच्छा तरीका है और काफी लोग इससे अर्न भी करते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है और कितना अच्छा सोच सकते हैं। सो ये होगी अपनी नाइन्थ गिग। अब चलते हैं अपनी टेंथ गिग और मेरी थर्ड फेवरेट गिग की तरफ जो की है ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ पहले ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन ये होता है लाइक लिसनिंग टू अ ऑडियो एंड कन्वर्टिंग इट इनटू टेक्स्ट। लाइक आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं हेडफोन लगा के, अब आपको उसको टेक्स्ट में लिखना है, तो ये होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको पांच तरीके बताऊंगा। पांच तरीके में सबसे पहला ये कि आप गूगल डॉक्स पे जाएं, दूसरा ये कि आप टूल्स में जाएं और वॉइस टाइपिंग पे क्लिक कर दें, तीसरा ये कि जो भी ऑडियो को आपको चेंज करना है मीन्स साउंड से टेक्स्ट में उसको आप प्ले कर दें, चौथा ये है कि जो भी स्पेलिंग और ग्रामर चीजें हो उसको आप देख लें, और पांचवा ये है कि मैनुअल चेक कर लें कि पूरा सिस्टम ठीक है कि नहीं, मतलब जो पूरी चीज आपने लिखी है वो सही से लिखी है कि नहीं। तो ये चीज काफी अच्छी है और ये चीज काफी आपको आगे चल के काम आएगी। और ट्रांसक्रिप्शन पे काफी पांच छह वेबसाइट्स ऐसी हैं मेरे पास जिससे आप काफी अच्छा डॉलर में पैसे कमा सकते हैं। इसके ऊपर मैं कोई डिटेल वीडियो आगे बना दूंगा वरना ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। सो ये चीज है और ट्रांसक्रिप्शन भी काफी चलता है। और इन तीनों गिग जो मेरी फेवरेट थी, फिफ्थ सेवन्थ और टेंथ, इनपे मेरी गिग्स अलग से है, तो मैं अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, पर बाद में आप ट्रांसक्रिप्शन भी बना सकते हैं और ये फाइव स्टेप फॉर्मूला याद रखें। सो एक बार आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ, पांच तरीके क्या है। पहला ये कि आपको गूगल डॉक्स पे जाना है, दूसरा ये कि आपको टूल्स में जाके वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करना है, तीसरा ये कि जो भी ऑडियो को आपको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में उसको प्ले करना है, गूगल डॉक्स अपने हिसाब से जिस भी लैंग्वेज में वो होगा वो उसको लिख देगा, और उसके बाद चौथी चीज ये कि आप स्पेलिंग और ग्रामर चीजें देख लें, और पांचवी चीज ये कि मैनुअल चेक कर लें कि बाकी सब कुछ फुल स्टॉप एंड ऑल दैट सब सही से लिखा है कि नहीं। तो ऐसे आप ट्रांसक्रिप्शन की भी गिग बना सकते हैं और आपको इस पे काफी अच्छा पैसा मिलता है। सो अब चलते हैं 11th गिग की तरफ जो कि है वर्चुअल असिस्टेंट। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। वर्चुअल मींस अ पर्सन जो मतलब थोड़ा रियल नहीं है, मतलब आसपास नहीं है आपके। वर्चुअल मींस सोशल मीडिया या ऑनलाइन आपसे जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मानिए कोई बाहर के लोगों को काफी लोगों की जरूरत होती है, जैसे कि कोई भी अच्छा इन्फ्लुएंसर हो या कोई बड़ा आदमी हो, बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आपको क्या करना होता है, आप उनको मैसेज करेंगे, आप ऐसे अपनी गिग बनाएंगे और गिग में आप कहेंगे कि मैं आपको
ईमेल आपके सारे प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से सेट कर दूंगा, आपके सारी मीटिंग्स आपको बता दूंगा एंड रिमाइंडर दे दूंगा, आपकी सारी कॉल्स अटेंड कर लूंगा। मीन्स मेनली आप उनको वर्चुअली जितनी हेल्प कर सकते हैं वो सारी चीजें आप उनको देंगे, और उस पर डिपेंड है कि उनका बजट कितना है और आप कैसे मीन्स आप कितनी सर्विसेज देते हैं और मीन्स आप कितने लोगों के लिए काम कर चुके हैं पहले, तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, और इसके बाद वो आपको अपना वर्चुअल असिस्टेंट रख लेंगे। तो ये भी काफी अच्छी गिग है और इससे भी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि 90% लोग आपको बाहर की मिलते हैं, अगर बाहर का पैसा आप इंडिया में लाते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। सो ये काफी अच्छी चीज है और काफी लोग मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो इससे काफी अच्छा कमाते हैं। तो ये हो गई 11th गिग, अब चलते हैं 12th गिग की तरफ जो कि यूजर टेस्टिंग। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में यूजर टेस्टिंग क्या होती है। लाइक मानिए मेरी एक कोई वेबसाइट है और मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे जनरली बताए कि ये वेबसाइट में मींस कोई कॉल टू एक्शन है कि नहीं। कॉल टू एक्शन मींस मानिए आप वेबसाइट पे आए और आपको तुरंत, जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आप देखते हैं तुरंत वो आपसे ईमेल मांगता है, मींस ऐसे पॉपअप करके ईमेल मांगता है वो आपसे, तो ये होता है कॉल टू एक्शन। लाइक न्यूज़लेटर पे साइन अप करवा लिया एंड रिस्पॉन्सिव है कि नहीं मेरी वेबसाइट, तीसरा उसका यूजर इंटरफेस कैसा है, ऐसी काफी चीजें होती हैं जो बंदे को जनरली पता करनी होती है। तो वो आप तक आएगा और आपसे पूछेगा कि ये चीजें बता दो। काफी और भी चीजें होती हैं बट इसमें थोड़े लोग कम मिलेंगे आपको, सो ये गिग मैं इतनी रिकमेंड नहीं करूंगा, बट क्योंकि जीरो नॉलेज है और इसमें आपको कोई स्किल भी नहीं चाहिए, अगर ये वैसा डोमेन है जिसमें ज्यादातर लोग नहीं है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर 10 भी बंदे आए और 10 बंदे से आपने $5 भी ले लिया तो एट द एंड आपके पास $50 होंगे, तो इस पर भी आप अपनी गिग बना सकते हैं, क्योंकि मैक्स आपके पास 7 गिग का ऑप्शन है, तो अगर बचे तो ये भी गिग का ऑप्शन बहुत ही अच्छा होगा। अब चलते हैं 13th गिग की तरफ जो कि है फोन कॉल। लाइक मानिए बहुत लोगों को फोन कॉल करना पसंद नहीं होता है और ऐसे बहुत से इंसिडेंट भी हुए हैं, मीन्स काफी ऐसी गिग बनी है इसमें, और आप इस पे फोन कॉल करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। और हेल्प कैसे कर सकते हैं, मीन्स फोन कॉल करना क्यों नहीं पसंद, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, लाइक उन्हें कॉल पे बात करना नहीं पसंद या इतने बिजी हैं या कोई भी रीजन हो, तो आप उनके लिए फोन कॉल कर सकते हैं, या मतलब जो भी चीजें हों, जो भी रिमाइंडर्स हों, जो भी मीटिंग्स हो वो उनको अटेंड करवा सकते हैं फ्रॉम फोन कॉल, और आपका मेन काम ये होगा कि आप फोन कॉल के थ्रू उनकी हेल्प करेंगे। सो ये गिग भी काफी चलती है और मेनली इससे जो आपको लोग मिलेंगे वो बाहर के मिलेंगे, इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि 99% कोई भी ऐसा बंदा होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप अपनी गिग बना सकते हैं। अब चलते हैं 14th तरीके की तरफ जो कि फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे कि मानिए जैसे इंडिया में होता है पैम्पलेट बंटवाने हैं, जैसे मानिए आपने कोई अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है और आपको आसपास के एरिया में पैम्पलेट बंटवाने हैं और लोगों को बताना है कि यहाँ मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, तो ये गिग वहां काम करती है जहां पर काफी लोग हो, जिस सिटी में काफी डेंसली पॉपुलेटेड जगह हो। इंडिया में ये चीज बहुत अच्छी काम करेगी, बट मैटर ये करता है कि आप फिजिकली जाना चाहते हैं कि नहीं और कितने आप अवेलेबल हैं फिजिकली ये काम करने के लिए। सो इस चीज पे पूरी गिग डिपेंड करती है, अगर आपको लगे कि आप इसके लिए काम कर सकते हैं तो आप इस पे गिग बनाएं, और अगर आप अच्छी सिटी में रहते हैं लाइक जैसे कोई भी डेंसली पॉपुलेटेड ले लीजिए, लाइक जैसे मुंबई ले लीजिए या दिल्ली ले लीजिए, तो इन पे जाके आप फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस पे भी आपको काफी अच्छा पैसा मिलता है। अब जो 15th गिग है वो है ट्रैवल प्लानिंग। लाइक इंडिया में बोले तो एज ए गाइड आप वर्क कर सकते हैं, लाइक जैसे कोई बंदा बाहर से आया तो उसके लिए आप गाइड बन सकते हैं और कोई भी चीज मींस वो जगह आप उसको घुमा सकते हैं जहां भी वो घूमने आया हो, एज ए गाइड आप उसकी हेल्प कर सकते हैं आप अपने कंट्री में जहां भी हो आप, ठीक है। सो ये चीज भी काफी चलती है क्योंकि बाहर के लोगों को आपकी कंट्री के बारे में कुछ पता नहीं होता है, सो ट्रैवल प्लानिंग भी बहुत अच्छी गिग है, इस पर भी आप बना सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है, आप कितना फ्री है इस चीज को करने के लिए। तो ये पूरी 15 गिग्स थी, इनमें से आप अपने टॉप 7 गिग्स चूज कर सकते हैं और इन पे आप वर्क कर सकते हैं। थोड़ा क्लाइंट मिलने में देरी होगी बट एक बार अगर आपको क्लाइंट मिल गया तो फिर बहुत ही क्लाइंट मिलते हैं, क्योंकि देखा ये जाता है कि इस बंदे को एक्सपीरियंस कितना है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ दो बोनस चीजें जो मैंने आपसे कही थी, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहली जो बोनस चीज है वो है फाइबर का एफिलिएट प्रोग्राम। अब एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है? एफिलिएट प्रोग्राम मतलब जैसे मानिए कि कोई भी गिग आपको अच्छी लगी, जैसे कोई बंदा है जिसकी 400 रेटिंग है, 400 से ज्यादा, और वो काफी टाइम से फाइबर पर ही काम कर रहा है, तो उसकी गिग्स को आप प्रमोट कर सकते हैं। और अगर कोई बायर गया और उस बायर ने उस गिग को खरीद लिया, मीन्स खरीद लिया क्या मतलब कुछ काम दे दिया, तो उसका आपको 10-15% आपके पास आता है। तो ऐसे ही आप अपनी गिग और बाकी लोगों की गिग को भी प्रमोट कर सकते हैं। सो ये होता है फाइवर का एफिलिएट प्रोग्राम। मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है। दूसरी चीज है वो है फाइबर आर्बिट्रेज। ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि इसमें, लेकिन इसके लिए भी आपको ये चाहिए कि आपको पास थोड़े क्लाइंट हो। इसका मतलब ये होता है जैसे मानिए कि मैं हूं सेलर और मुझे कोई बायर चाहिए, ठीक है? तो किसी बायर ने मुझसे कहा कि मैं कोई स्किल दे रहा हूं, मानिए जैसे वेब डेवलपमेंट की स्किल दे रहा हूं या कोई ब्लॉग का आर्टिकल लिख रहा हूं। किसी बायर ने मुझसे कहा कि ये कंटेंट का आर्टिकल आप दे दीजिए, बट आपके पास उस चीज की स्किल नहीं है, ठीक है? तो आपने उसकी जो मनी रखी है वो है $10। तो वो बंदा मान गया, ठीक है $10 में तुम मुझे ये आर्टिकल दे दो। अब आपने क्या किया, उतने टाइम में आपने उसका आर्टिकल लिया और किसी और साइट पर लाइक फ्रीलांसर या अपवर्क पर या फाइवर पर ही उसको सेल किया और किसी और बंदे को दे दिया कि भाई तुम करो ये चीज, और आपने इससे लिया $10, ठीक है? आपने ये चीज करवा ली $6 में किसी और वेबसाइट पर या फाइवर पर ही, तो आपका जो 20 का कमीशन हुआ $4, ये आप अपने जेब में रखेंगे। ऐसे बहुत से लोग कमाते हैं और ये भी काफी अच्छा तरीका है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर से समझाता हूँ। आप हैं सेलर, ठीक है? कोई बायर आया आपसे, उसने कहा कि ये चीज मुझे दे दो, मीन्स ये आर्टिकल मेरे लिए लिख दो, और आपका रेट है $10 का मान लीजिए, ठीक है? और आपको आर्टिकल लिखना नहीं है या आपके पास उतना टाइम नहीं है या आपकी वो स्किल है ही नहीं, आपने ऐसे ही गिग बनाई है फाइबर आर्बिट्रेज करने के लिए, ठीक है? तो अब आप वो आर्टिकल लेंगे और आप जाएंगे फ्रीलांसर या अपवर्क पर, और वहां जाके आप उस आर्टिकल को किसी और बंदे को देंगे और उससे वो आर्टिकल लेंगे और कम पैसे में, लाइक ये $10 में था तो आप इससे $4 में या $6 में ले लेंगे। ऐसे काफी बंदे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में काम करना चाहते हैं वो काफी पैसा नहीं कम रखते हैं अपना और काफी जनरली काम भी करते हैं। तो आप इसको देंगे $6 और आप इससे लेंगे $10, तो अब आप 20 का जो $4 है ये आपकी कमीशन हो गई। तो ऐसे फाइबर आर्बिट्रेज के थ्रू लोग पैसे कमाते हैं और काफी अच्छा वर्क करते हैं। सो चलिए हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाकी काफी वीडियो मैंने इस चैनल पर बनाई हुई है तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। सो चलिए अब चलते हैं।